तो सुबह सुबह मार्केट जाके ये सब्जियां इन्होंने लाई है। क्या क्या लाया है? धनिया पत्ता, पालक, भिंडी और फूल गोभी, और ये भरते के बैगन, और उसके बाद नींबू। तो इतनी सारी सब्जियां लाई है आज। वैसे एक दिन छोड़ के ये मार्केट जाते हैं और ताज़ी ताज़ी सब्जियां लेके आते हैं सुबह सुबह, तो आज इतनी सब्जियां लाई है। अभी देखते हैं इसमें से क्या बनाना है आज लंच में, तो इनकी पसंद का ही कुछ बन जाएगा आज लंच में। मेरी आंखें ऐसी सूजी सूजी चल रही लग रही है। चलो, क्या आंखें फ्रेश हाँ, इतने दिनों के बाद इतनी गहरी नींद आई है, मैं आपको क्या बताऊँ। और उसके मतलब इन्होंने ना मुझे ऑयलिंग करके दी थी रात को, और उसके बाद माही ने ये चोटी बांध के दी थी, तो इतनी केयर करने के बाद तो नींद आएगी यार अच्छे से। और आंखें देखो कितनी सूजी सूजी से लग रही है। अभी कितने बजे हैं? 9:30 बजे मैं उठी हूँ आज, 10:45 भी नहीं, 9:30। मेरा बाकी के टाइम मतलब बाकी के कामों में मेरा टाइम चला गया तो अभी। और हाँ, पति देव के हाथ की चाय भी बन रही है आज, बिल्कुल अदरक वाली और इलायची वाली, सुबह 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 सुबह। पति के चाय का मिलने से बोलते पूरा दिन अच्छा जा रहा है। हाँ, पति के हाथों से चाय नहीं, आज तो ज्यादा ही मतलब वो हो रहा है, क्या बात, क्या बोलते हैं, सेवा प्यार नहीं सेवा भी नहीं, प्यार ऊपर आ रहा ऊपर है। हाँ नहीं यार, बहुत बहुत किया है इन्होंने। कल रात को मेरी पूरी मसाज करी थी, मेरा सिर दर्द इतना हो रहा था। मैं आपको बोला ना पिछले ब्लॉग में कि मेरा आँखें जल रही है, ये हो रहा है, तो इन्होंने ना तेल डाल के बहुत अच्छे से मसाज करके दी थी। और फिर माही को लगा कि चोटी बांध के देते हैं, तो माही ने फिर चोटी भी बांध के दी। अच्छा लग रहा है यार, फ्रेश लग रहा है, मतलब ये आंखें सूजी लग रही है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है आज। बहुत अच्छी सुबह हुई है आज की। दोनों सो रहे होंगे तो हाँ, बच्चे तो अभी भी सो ही रहे हैं, बच्चों को भी मसाज करके दी थी, बच्चे भी सो ही रहे हैं अभी तक। दोनों बच्चों को भी दी थी, और मम्मी की पैर की मसाज करके दी थी और मेरी सिर की। तो बहुत, कल कल हमारा मतलब पैम्परिंग डे था, मतलब हम लोगों का, वो तो अपने इसको हाथ नहीं लगाने देते वो नहीं लगाने देते हाथ। ये मैंने एक्चुअली फ्लावर पॉट धोया है, तो इसे भी सुखाने के लिए डालती हूँ। और ये उसमें से फूल भी है, वो भी वॉश कर लिए हैं। तो ये एक्चुअली वहाँ पे जहाँ पे मैंने रखा था ना, वहाँ पे इन्होंने रख दिया था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसकी जगह चेंज करती हूँ। देखती हूँ कहाँ पे रखना है इसे। अभी सूख जाने के बाद इसकी जगह देखेंगे हम लोग कहाँ पे रखना है इसे। दो थे ये, बट एक पता नहीं हवा से गिर गया था तो वो टूट गया, और अभी जब काम चल रहा था ना उस टाइम टूट गया। अभी ये एक ही बचा है इसमें से, इसकी जगह देखनी पड़ेगी यार कहाँ पे रखना है इसे। तो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, और हम लोगों ने बरेली में लिया था ये, और काफ़ी साल पुराना भी है। गाइज, आज मैं आपके साथ जो भी मैंने प्रोडक्ट परचेस किए हैं अमेजोन से वो शेयर करने वाली हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, तो सभी प्रोडक्ट बहुत काम आने वाले हैं। मतलब जो भी मैंने प्रोडक्ट परचेस किए हैं, काफी दिनों से मैं चाहती थी लेना, और एक एक करके कार्ट में डालती गई और एक एक करके परचेस करती गई। काफी सारे प्रोडक्ट अभी मतलब कलेक्ट हो गए हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो एक हॉल वीडियो टाइप का बना देती हूँ, मतलब हॉल वीडियो नहीं, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जो भी है वो, तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने लिया है ये, मतलब जो भी मेरे हाथ में आ रहा है वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो यूरोप गर्ल का ये लैश ग्लू है, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। लैश ग्लू जो अगर अच्छा होता है ना, तो लैशेज जल्दी से चिपकती है और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये यूरोप गर्ल का मैंने बहुत ज्यादा सुना था इसके बारे में, इससे पहले मैंने यूज नहीं किया लेकिन बहुत सुना था कि अच्छा है करके। तो ये मेरा है फर्स्ट परचेस, और उसके साथ साथ मैंने लैशेज भी ली है, तो ये है लैशेज। हाँ, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो भी मैंने प्रोडक्ट अभी परचेस किए हैं सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है वो भी बता दूँ, मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इन सारे प्रोडक्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। उसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो लिंक पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। तो ये लैशेस ली है मैंने, नेचुरल दिखती है और बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। तो मतलब ज्यादा थिन भी नहीं है और ज्यादा थिक भी नहीं है, एकदम
आप देख सकते हो। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी ये वाली लैशेस, और इसके साथ मैंने ये लैश ग्लू लिया है। ये भी मतलब ये अलग है, ये अलग है, बट इसको चिपकाने के लिए लिया था। वैसे मेरे पास और भी लैशेस है, तो जल्दी ही लैशेस अगर आपको कैसे लगाना है वो देखना है तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, बट वो मास्टर लैंड टिप्स से शेयर करूंगी मैं। उसके बाद मैंने लिया है ये स्ट्रिक्स का प्रोफेशनल वीटा ग्लॉस हेयर सीरम। तो ये सीरम लिया है मैंने, अभी अभी हेयर वॉश किया है ना, तो यही सीरम यूज किया है और बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। मतलब इससे पहले जो सीरम यूज करती थी मैं वो भी बहुत अच्छे थे, बट ये अभी न्यू ट्राई कर रही हूँ, मतलब इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया, बट मुझे ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो इसे भी। तो ये है, और इसमें पंप आता है एक्चुअली, तो पंप से आप निकाल सकते हो इजीली, तो टेंशन नहीं रहता है। और इसके बाद मतलब जितना प्रोडक्ट आपको लेना है उतना ही प्रोडक्ट आएगा। तो उसके बाद मैंने लिया है ये कैटेन का हेयर स्प्रे, मतलब हेयर हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है ये। मतलब जैसे कि आप कोई भी टूल्स यूज करते हो, हेयर टूल्स, तो जैसे कि आप कर्लर यूज करते हो, या आप क्रिम्पर यूज करते हो, या आप स्ट्रेटनर यूज करते हो, उससे पहले आपको इसे लगाना होता है। हेयर को ये हीट से प्रोटेक्ट करता है, तो इसी वजह से इसका नाम जो है हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है, और आपके हेयर डैमेज नहीं होते इससे। आपको कोई टूल्स यूज करना अच्छा लगता है ना, तो आपको ये जरूर यूज करना चाहिए। मतलब कोई भी स्प्रे, इसे महंगे थे तो मुझे लगा कि ये ज्यादा मैं टूल्स यूज नहीं करती हूँ, तो ये एक छोटा सा ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये लिया है, क्योंकि हेयर डैमेज नहीं होनी चाहिए। हम लोग इतना हेयर केयर करते हैं और इतना संभालते हैं अपने हेयर को, तो थोड़ा सा खर्चा भी करना चाहिए अगर आप टूल्स यूज करते हो तो उसके लिए मैंने ये लिया है हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। और उसके बाद मैंने लिया है ये निविया का व्हाइटनिंग स्मूथ स्किन 24 आवर, ये क्या बोलते हैं, रोल ऑन, तो इतना मैं बता रही हूँ आपको, डिओड्रेंट रोल ऑन है ये। तो ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा डेली यूज होता है ये, और मतलब ये बहुत ज्यादा खत्म भी होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पर्सनली। तो इसी वजह से मैं, ऐसे ही मेरा खत्म होता है उससे पहले मैं ये जल्दी से मंगा लेती हूँ, इसके बिना मेरा काम ही नहीं होता है, तो ये लिया है मैंने। मतलब इससे ना आपके अंडर आर्म स्मूथ भी रहते हैं और वाइट भी रहते हैं। और फिर मैंने लिया है ये, बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे, मैं इतना हेयर केयर करती हूँ तो ये तो चाहिए ही था मुझे। कैसा है, हम लोग बार बार स्पा करने के लिए नहीं जा सकते हैं, और स्पा का खर्चा भी आप लोगों को पता होगा कितना ज्यादा है, तो घर पे अगर स्पा करते हो ना, तो ये जो कैप है उसकी जरूरत पड़ती ही है, तो इसी वजह से ये कैप ली है मैंने। और वो बहुत बड़ा आता है पार्लर वालर में, जैसे कि आप देखते हो ना, और स्पा करने के टाइम वो आपके सिर पे लगाया जाता है कटोरे टाइप का, तो वो होता है, लेकिन वो बहुत महंगा आता है, तो इसी वजह से मैंने ये लिया है। बहुत सस्ता है यार, बहुत महंगा नहीं है, मतलब अंडर 300 ही है, तो इसी वजह से मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। अंडर 300 या अंडर 400 पता नहीं, आप लिंक चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ये इस तरह से इसे खींचना होता है, आपके हेयर के शेप का, मतलब हेड के शेप का आ जाएगा। उसके बाद ये स्टीम करेगा, और आपके जो रूट्स है उस तक, जैसे कि आपने ऑयलिंग की है या आपने क्रीम लगाया है, वो पहुंचा देगा। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है स्टीम लेने के लिए, जैसे आपके हेयर को स्टीम देने के लिए, और रूट्स को क्लीन करता है, बहुत ज्यादा फायदे है इसके। और इसे हेयर स्पा के टाइम पे यूज करना पड़ता है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये पर्सनली। मतलब इसको मैंने ट्राई करके देखा, एक्चुअली नहाने से पहले मैंने इसको ट्राई करके देखा, इसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैंने लिया है ये मतलब फेस ब्रशेस, हेयर ब्रशेस बोल रहे, फेस ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस है ये, पूरा सेट है आई मेकअप का, और ये मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे आप लोगों को पता है कि मेकअप का कितना ज्यादा शौक है, और मेरे पास है ब्रशेस, ऐसा नहीं है कि ब्रशेस नहीं है, बट ना आई मेकअप के लिए क्या होता है कि कभी कभी धोने, मतलब जो ब्रशेस रहते हैं ना उसे धोना पड़ता है बार बार, नहीं तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई आई मेकअप कर लो और वो दूसरे शेड का हो, और अगर आपने धोया नहीं है और दूसरे शेड का लगा लिया, तो फिर और मिक्स मैच हो जाता है, तो इसी वजह से तो मुझे थोड़े से ज्यादा ब्रशेस चाहिए होते हैं। बट ये जो मैंने ब्रशेस लिए है ना इस बार, इतनी अच्छी क्वालिटी के मुझे रिसीव हुए हैं, और इतने कम प्राइस के हैं, मतलब ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, बट क्वालिटी इतनी अच्छी है। जैसे ही मैंने देखा इसे, बाप रे, मैं शॉक हो गई कि मैंने बोला यार इतने सुंदर ब्रशेस, और इतने ब्रिसल्स प्यारे हैं ना, मतलब सॉफ्ट है ना, कि आपको क्या बताऊं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील होता है। अरे यार मैं वेट कर रही हूँ कि कब मैं इससे मेकअप करूँ, जल्दी मेकअप करूंगी, बट यार गंदा करने का मन नहीं कर रहा है मुझे इसका, बहुत ज्यादा अच्छा शेप है। और ये देखो, ये जैसे वो ये नहीं होती जलपरी, उसके टाइप का शेप है ये, मतलब फिश शेप में ये ब्रिसल, मतलब ब्रश मुझे रिसीव हुए है, बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे। और मैं एक बार आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ,
दिखने में तो अच्छी दिखती है, जैसे आप आपके ड्रेसिंग टेबल के सामने रखोगे ना इसे तो बहुत सुंदर दिखेंगे, दिखने में तो अच्छी दिखती है, बट ब्रिसल्स इसके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आपको ब्रिसल्स ही सॉफ्ट होने चाहिए आपके ब्रशेस में। तो ये है मेरा एक परचेज। उसके बाद मैंने लिया है ये, मुझे ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, फूड स्पा के लिए, फूड स्पा क्या बोलते हैं, तो मुझे याद नहीं आता है जल्दी से, मैनीक्योर पेडिक्योर, पेडिक्योर के लिए पेडिक्योर के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। है मेरे पास ऑलरेडी सभी चीज़ें हैं, बट मुझे ना ऐसे अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट इसको मैंने जब लिया ना, मतलब जब ट्राई किया ना इसे, बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब सच में। अगर आप थोड़ी देर भिगो के रखते हो आपके पैर शैम्पू के पानी में और उसके बाद इससे स्क्रब करते हो ना, सारी डेड स्किन निकल जाएगी आपकी, हील की आपकी पूरी डेड स्किन निकल जाएगी, इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट लिया है मैंने, फूड पाइलर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, मतलब सच में अगर आपकी हील्स क्रैक होती है ना तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, मेरी नहीं क्रैक होती बट मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं देखूंगी मेरी मम्मी वगैरह आएगी यहाँ पे, तो मम्मी की बहुत ज़्यादा क्रैक होती है हील्स, तो उसके लिए मैंने एक और प्रोडक्ट मंगाया है, वो आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो हील्स क्रैक होती है तो उससे मैं करने के लिए बोलूंगी इससे, अगर उसके हील्स अच्छे से निकलते हैं तो उसको भी एक गिफ्ट कर दूंगी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये। और उसके बाद मैंने लिया है ये ब्रश, ये तो मैंने आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर की थी बट ब्रश नहीं दिखाया था, तो ये है ब्रश। उस दिन क्या बोलते हैं, होली के दिन मैंने अनबॉक्सिंग शेयर की थी, उस टाइम ये ब्रश मुझे रिसीव हुए थे, और उसी टाइम मुझे एक मसाजर भी रिसीव हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बच्चों के लिए मैंने ब्रश मंगाया है, और ये देखो ये मशीन ब्रश है, ये देखिए आप, इसको ये अटैचर होता है और इसको कैप भी आई है, इतना ज़्यादा अच्छा है ये ब्रश। एक्चुअली अदभी कितने दिनों से जिद कर रहा था कि उसको मशीन ब्रश चाहिए, इस तरह से ये ऑन करते हो तो ऑन हो जाता है, इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हैं, मैं आपके साथ इसका सेपरेट रिव्यू शेयर करूंगी जल्दी ही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसके अंदर चार्जर भी मिला है, और इसके साथ ये हेड भी मिला है दो, देखो ये और एक ये। अगर जैसे कि डेंटिस्ट बताते हैं हमें कि 3 महीने के बाद ब्रश चेंज करना चाहिए हमारा, तो क्योंकि अच्छा नहीं होता है 3 महीने के बाद यूज करना ब्रश, तो इसी वजह से अगर आप चेंज करने वाले हो, ये 3 महीने के बाद खराब हो जाता है, तो इसके बाद खराब भी नहीं होता है 3 महीने तक हमारा ब्रश, बट फिर भी 3 महीने के बाद चेंज करना चाहिए ऐसा डेंटिस्ट बोलते हैं, तो आप ये 2 अटैचर और लगा सकते हो इसे, तो इसी वजह से इन्होंने 2 साथ में दिए है, और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, मतलब बाकी ब्रांड के कंपेरिजन में, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसी वजह से मैंने ये लिया। अगर अद्विक के लिए लेते हैं तो माही को तो चाहिए होता है, तो इसी वजह से हम दोनों में कोई फर्क नहीं करते हैं, चाहे माही बड़ी हो गई हो, फिर भी माही के लिए एक लिया है और अद्विक के लिए एक लिया है, तो ये दोनों लिए हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने लिया है एक क्रीम पर, माही के हेयर ना बहुत ज्यादा पतले है और उससे कभी कभी स्टाइलिंग अच्छा लगता है, मतलब हेयर स्टाइलिंग अच्छी लगती है उससे, इसी वजह से मैंने ये हीट प्रोटेक्शन स्प्रे भी लिया है, मतलब उसके बाल खराब नहीं होने चाहिए, फिर भी उसकी हेयर केयर बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग, बट फिर भी उसके पतले बाल है ना, उसके पापा जैसे बाल है उसके, तो इसी वजह से थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है, यार लड़की है, बाल थोड़े से बड़े होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। और उसके बाद ये है ना क्रीम पर, मेरे भी स्टाइलिंग के लिए काम आएगा, और उसके बाद उसके भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इससे, क्रीम ना इतने जल्दी हो जाते हैं हेयर कि आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं शॉक हो गई यार, जल्दी 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 हेयर क्रीम हो रहे थे, और इतने ज़्यादा मतलब वॉल्यूम देते हैं ना, अगर आपके बहुत ज़्यादा थिन बाल है, पतले बाल है, और अगर आपको थोड़े से मतलब मोटे बाल दिखाना है तो क्रीम पर यूज़ कर सकते हो आप, और स्टाइलिंग के लिए भी क्रीम पर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हेयर स्टाइल वगैरह करते हो ना, तो उस टाइम क्रीम पर वगैरह यूज़ करते हो ना, तो जल्दी हेयर स्टाइल अच्छे से बनती है, तो और क्रीम पर आपके पास होना ही चाहिए, और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये क्रीम पर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा मुझे, और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है मेरे पास, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब अंदर का बहुत जल्दी जल्दी क्रीम होते हैं इससे हेयर, और ये जो वायर है वो भी बहुत लॉन्ग दिया है इन्होंने, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोडक्ट से। और ये जो ब्रश है उसका रिव्यू मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, मतलब डिटेल कैसे यूज़ करना है, क्या करना है उसे, तो जल्दी ही शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसे यूज़ करने के लिए। और ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब ब्रश हमारे टाइम पे नहीं थे यार, बट क्या करें,
अभी बच्चों के टाइम पे है तो मतलब हमें यूज करने के लिए नहीं मिले, बट मेरे लिए भी मैं जल्दी से मंगाने वाली हूँ ऐसा, क्योंकि अडल्ट के लिए भी है इसमें, तो मैं जल्दी से मंगाने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने लिया है ये, क्योंकि क्या हुआ था पिछले बार जब मम्मी आई थी ना, तो मम्मी को जो मेरा मसाजर था, मतलब मेरे घर पे जो मसाजर था, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मतलब उसको थोड़ा सा मसाज वगैरह करके दी थी, तो हमने उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने मम्मी को बोला कि वो लेके जाओ, तो मुझे लेना था एक मसाजर, तो इसी वजह से वो मैंने मम्मी को दे दिया था। तो ये लिया है मसाजर, ये है अग्यारो का मसाजर। और उसके बाद ये आप देख सकते हो इतना ज़्यादा अच्छा है ना, आपको क्या बताऊँ। मतलब जैसे अगर आप पीठ पीठ पे मसाज करते हो ना इस तरह से, तो आपका हाथ नहीं जाता है पीठ तक, तो ये आराम से आपकी मसाज कर देगा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका भी सेपरेट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी यार जल्दी से, क्योंकि बहुत से लोगों ने पिछली बार जो मेरे पास मसाजर था ना, उसका रिव्यू मांगा था, बट वो रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। बट इसका रिव्यू जल्दी से आपके साथ शेयर करूँगी कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए। और बहुत जल्दी से देखो पीठ वगैरह को मसाज खुद से खुद कर सकते हो। और इसके साथ एक अटैच, मतलब एक नहीं बहुत सारे अटैचर दिए हैं। और इसके बाद ये देखो यहाँ पर भी बहुत सारे अटैचर हैं, मतलब आप यहाँ पर भी मसाज कर सकते हो, हाथों पे भी मसाज कर सकते हो। अगर आपके फैट बढ़ गए हैं, टम्मी के फैट बढ़ गए हैं, तो वहाँ पर भी आप मसाज कर सकते हो। थाइस के फैट बढ़ गए हैं, तो वहाँ पर भी आप मसाज कर सकते हो। बहुत सारे मसाजर, मतलब अटैचर इसमें हैं, तो आप अटैचर लगा लगा के मसाज कर सकते हो, अलग अलग अटैचर लगा लगा के। तो मुझे ना, मैं इसको यूज़ कैसे करना है वो भी आपको सिखा दूंगी, मतलब बता दूंगी कि कैसे यूज़ करना है इसे, और कौन से अटैचर किस किस के काम आएंगे। और जल्दी से इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे पर्सनली ये वाली चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो ये थे मेरे आज के जो भी प्रोडक्ट मैंने परचेस किए थे, मतलब इतने दिनों से जमा कर रही हूँ मैं, और चलो फाइनली सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये थे मेरे प्रोडक्ट जो मैंने अमेजोन से परचेस किए हैं इस बार। और आपको कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट करके बताना, आपको कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना, आपका फेवरेट कौन सा प्रोडक्ट है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, आपने बहुत सारे पिछले ब्लॉग में अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, मैंने आपको बताया था कि मेरी आंखें जल रही है और मेरे पैर भी जलते हैं, तो उसके लिए आपने बहुत सारे हेल्पफुल कमेंट किए हैं। मतलब जैसे कि आपने बताया है उसमें सजेशन दिए हैं मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे सजेशन दिया करो यार, और मुझे खुश किया करो, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और हाँ, किसी ने बोला था कि आप कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देते हो, तो प्लीज़ डियर समझा करो यार, मतलब इतने सारे काम होते हैं, प्लस घर के भी काम होते हैं, यूट्यूब के काम होते हैं, उसके बाद अभी फर्नीचर चल रहा है तो उनको भी बताना होता है, और उसके बाद कोई ना कोई आते ही रहता है मेरे घर पे, अगर मेरा ससुराल यहाँ पे है तो कोई ना कोई तो आते ही रहता है, और उसके बाद और बहुत सारे काम होते हैं, दो दो चैनल संभालना होता है, दो दो क्या तीन तीन, उस पर नहीं काम कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल, पर उस पर भी जल्दी ही काम करूंगी, उसके लिए मैं जमा कर रही हूँ सारी चीज़ें, मतलब उस पर काम करने के लिए। तो उस चैनल पर भी जरूर काम करूंगी, मास्टर रणदीप पे जल्दी से ही, मराठी चैनल है तो उस पर भी काम करना पड़ता है, इस पर भी काम करना पड़ता है। और उसके कमेंट के रिप्लाई और इसके कमेंट के रिप्लाई, आप ही सोचो कि इतने सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं कैसे दे पाऊँ अकेली, और मेरे पास कोई भी ऐसे हायर नहीं किया हुआ है मैंने कि चलो एडिटर है मेरे पास, या कोई मेरे पास ये है, मतलब क्या बोलते हैं, तो कोई सोशल मीडिया के लिए हैंडल करने के लिए है, या कुछ भी, मुझे इंस्टा भी खुद ही संभालना पड़ता है, मुझे यूट्यूब भी खुद ही संभालना पड़ता है, प्लस एडिट करना पड़ता है, आपके लिए जल्दी से वीडियो भी अपलोड करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है यार। प्लीज़ समझा करो, कमेंट क्या करो, मैं सच में पढ़ती हूँ कमेंट, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने के लिए कमेंट्स, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद आपके अगर रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो मैं हार्ट तो पक्का दे ही देती हूँ, मतलब सबको हार्ट देती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा समझो कि जैसे ही हार्ट मिल गया आपको, वैसे समझ जाइएगा कि मैंने कमेंट पढ़ा है और मेरे दिल तक वो कमेंट पहुँचा है आपका। तो प्लीज़ कमेंट किया करो और लाइक भी कर दिया करो मेरे लिए प्लीज़। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आई थी खाना खाने के लिए, और आज खाने में बना है, आप देख सकते हो, ये है दाल पालक। दाल पालक बना है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज दाल पालक ही है, सिर्फ दाल पालक। और अच्छा, आद्विक टीवी देख रहा था, आद्विक टीवी देख रहा था, दाल पालक बना है। हाँ बताओ, ग्रैनी और ग्रैंडपा, और अच्छा आदिक को बहुत ज्यादा पसंद है ग्रैनी और ग्रैंडपा। तो चलिए अभी खाना खा लेती हूँ पटाख से, क्योंकि चावल बना है, रोटी बनी है और दाल पालक बना है। जल्दी से खाना खाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
बाकी अभी सनमई कर लेता हूँ। बिल दिखाना। ठीक है, लाख है ये पकड़ो। और ये सनमाई का जो क्रैक है वो कौन सा है बोलो? पीछे रखे। अच्छा उधर है। क्यों वो अच्छा नहीं मिला क्या? वो टूट गया सनमाई का पीछे। अच्छा अच्छा ये वाला ठीक है। इसमें साइन चाहिए क्या? अभी जूस टाइम हो गया ना? हाँ। जूस कब से बोल रहे? जूस टाइम हुआ ही नहीं क्या मम्मा? जूस टाइम हुआ ही नहीं क्या? हाँ बेटा मुझे ओरियो के क्रीम बहुत अच्छे लगते हैं। क्रीम नहीं बिस्किट। ओरियो की क्रीम अच्छा लगती है मुझे। क्रीम? अच्छा ओरियो के बिस्किट के अंदर की क्रीम। अच्छा अच्छा हाँ अच्छी लगती है। अच्छा हाँ 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 ऊपर का डाल देता है वो है ना। रुको 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 रुको। हाँ मैंने मुझे लगा ही था कि आप गिराओगे। आपको तो मम्मा? नहीं मुझे नहीं चाहिए। जानबूझ के हंस रहा है। अच्छा और आप कैसे करते हो? आप कैसे करते हो? आप मम्माज बॉय हो और वो डैडीज गर्ल है। हो गया? मैं तो खत्म हो गया। चलो अच्छा मम्मा क्या मुझे ये देते? क्या दू? ओरियो। हाँ ओरियो। तो गाइस देखो ये खजाना मिला है मुझे। कितने दिनों के बाद मेरा और सबसे पहला परचेस था मेरा ये, और बहुत बहुत ज्यादा मुझे पसंद था। एक्चुअली ये उषा की जन्म मशीन है, सिलाई मशीन, और मैंने ये काफ़ी पहले ली थी, मतलब जब हम लोग बरेली में थे ना उस टाइम मैंने ली थी। और आप इसकी कवर से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा बहुत पुरानी है, बट ये निकाली नहीं थी अभी तक, मतलब यहाँ पर हम लोग जब से शिफ्ट हुए हैं ना से निकाली नहीं थी। तो अभी इन्होंने ऊपर का सारा सामान निकाला है, तो ये निकाला है, और मैं ही थोड़ी सी हेल्प करूँगी क्या मेरी? तो ये निकाली है, और मुझे ना ये मतलब कब से यूज़ करनी थी बट ऐसे था ही नहीं। एक तो टाइम नहीं मिलता है, और ऊपर से जगह भी नहीं थी रखने के लिए। इसे एक ऐसे सेपरेट जगह चाहिए इसे रखने के लिए, और अभी मुझे पूरा सीखना भी पड़ेगा इसका, क्योंकि मैं अभी भूल गई हूँ पूरा का पूरा। और बहुत ज़्यादा बढ़िया मशीन है ये, मुझे मैंने काफ़ी दिन यूज़ की वहाँ पे, मतलब काफ़ी दिन में कैसा था कि वहाँ पर खाली बैठती थी ना तो कुछ ना कुछ करती थी यहाँ पे, ये मतलब इस पे। तो अभी तो काफ़ी दिनों से निकाली नहीं है, और न्यू की न्यू ही है ये, ऐसी की ऐसी पैक की थी हम लोगों ने और वैसे के वैसे ही लेके आए थे। बट जब से हम लोग यहाँ पर आए ना तब से हम लोगों ने निकाली नहीं है, और कितने साल हो गए हैं? 6-7 साल तो हो ही गए होंगे। और ये यहाँ पर था, निकालते निकालते गिर गया। कैसे था ये? हाँ ये ऐसे शायद, हाँ ये ऐसे था। तो ये है मशीन उषा की, और अभी मैं इसे यूज़ करूँगी, मतलब जैसे कि थोड़ी सी सिलाई विलाई उधर जाती है ना, तो उसके बाद वो सिलाई करने के लिए काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हैं यार इसका, मतलब बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। बट मुझे नहीं आता है तो मैं अभी वैसे ही यूज़ करूँगी उसे, जैसे सिलाई उधर गई तो उसको मतलब लगाने के लिए या तो अल्टर करने के लिए ऐसा यूज़ करूँगी मैं, फिटिंग वगैरह करने के लिए। तो अभी इसके साथ ये सारी चीज़ें भी आई थी, बट अभी इसका यूज़ देखना पड़ेगा यार कैसे कैसे होता है। तो इसके साथ एक सीडी भी आई थी, तो वैसे के वैसे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक महीना या डेढ़ महीना यूज़ की होगी इसे, और वो भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर ये मतलब इलेक्ट्रिक से चलती है, हाथ से चलाने के लिए तो इसे कुछ भी है नहीं, तो इलेक्ट्रिक से चलती है तो ये ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसे चलाने में भी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बट अभी कब यूज़ करूँगी, जब भी यूज़ करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो
ये पूरा का पूरा बॉक्स इतना गंदा हो चुका था ये कि आपको क्या बताऊँ। मतलब उसको पूरा धूल मिट्टी पोछनी पड़ी उसकी, और उसके बाद जाके ये आपके सामने निकला है। तो ये है मेरा खजाना, कितने सालों का निकला खजाना आज। Hey guys, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक कर देना। और हाँ, जो सारे प्रोडक्ट मैंने दिखाया है ना, उसके सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और हाँ, इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।